नमस्कार। आज दो चीजें हैं। पहला तो ये कि हम क्रेडिबल हिस्ट्री की वेबसाइट, जैसा हमने कहा था, शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पे लॉन्च कर रहे हैं, और इस लॉन्चिंग के लिए हमारे साथ शहीद आजम भगत सिंह पे मेरे ख्याल से अभी जिन लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है उनमें से एक प्रोफेसर सैयद इरफान हबीब साहब। इरफान साहब नमस्कार। इरफान साहब, हम लोग बातचीत मतलब 6 साल हो गए शहादत के भगत सिंह के, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, जहां अलग अलग धारा के लोग जिस तरह से उसको अप्रिप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप किधर देखते हैं, किधर चीज जाके ये जाती हुई दिखते देखते हैं? देखिए, अप्रिप्रिएशन के जहाँ तक सवाल है वो तो एक पुराना मुद्दा हो गया। लगता है कि भगत सिंह सबके हैं, उससे मुझे उसको देखकर मुझे खुशी भी होती है कि भगत सिंह को लोग इतना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तकलीफ भी होती है, क्योंकि उसमें भगत सिंह का जो अप्रोप्रिएशन है वो बड़ा सेलेक्टिव, बड़ा पार्शल, इनकम्प्लीट अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि भगत सिंह की शहादत को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। शहादत के साथ जो राष्ट्रवाद जुड़ जाता है उसको अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। जो हीरोइज्म है उसमें, उसमें हीरोइज्म है, उसमें वो बड़ा कन्वीनियंट भी है, वो बहुत आसान भी है। अब आराम से 23 मार्च को फूलमाला पहनाइए, अगले से 1 साल के लिए भूल जाइए। तो ये एक हम सिलसिला परसों से देख रहे हैं। मेरा ताल्लुक भगत सिंह से 40 साल पुराना हो गया, करीब करीब 76-77 में शुरू किया था, तब से लगातार बना हुआ है। बीच में मैंने कुछ और किया काम, लेकिन फिर मैं वापस आ गया भगत सिंह का, एक और काम भी साथ में चलते रहते हैं, लेकिन भगत सिंह से जो ताल्लुक है ताल्लुक है। लेकिन 73 में सर कपिल चंद की राइट अप आज खिलाया था, उससे आप रूबरू हुए थे, तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ, वो चलता रहा। उस बीच में बहुत से लोग आए, बहुत सी सियासी पार्टियां आई, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रिस्ट, सब ने भगत सिंह को अपनाने की कोशिश अभी भी करते हैं। बात यह है कि भगत सिंह की विचारधारा से कौन जुड़ा, भगत सिंह के ख्यालों से कौन जुड़ा, भगत सिंह का विजन क्या था, उसके बारे में भी आप बात करते हैं कि नहीं करते? आवाम के स्तर पे ज्यादातर जो लोग विचारधारा से कटे हुए हैं, अगर 70 की जैसे बात की तो ये 60 के दशक में विचारधाराओं की मतलब जो पहचान रही अभी भगत थी या उनके साथी या अन्य क्रांतिकारियों की विचारधारा क्या थी, जैसे कि 73 में भीपेन चंद्र लिखते हैं आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन पे, उसके बाद आपने उस पर आगे काम किया, जिस पर आइडियोलॉजी पे भी काम किया, उस पर प्रोग्रेशन भी किया, तो आप 60 के दशक में चीजों को कैसे देखते हैं, उसके पहले कैसे देखते हैं, किस तरह से वो, क्या भगत सिंह एक पूरी खुली किताब, खुली चीज थे जो कहीं भी मतलब हटियाए जा सकते थे, नहीं मतलब किस तरह से थे अकेडमिक के स्तर पर भी और मतलब आवाम के बीच? पहले इवन बिपिन चंद्रा के वक्त बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं था, डायरी भगत सिंह की प्रेजेंट डायरी अवेलेबल नहीं थी, भगत सिंह की जो ये के जो लेख हैं जो कीर्ति में छपे वो सारे अवेलेबल नहीं थे, उनकी जो प्रिजन राइटिंग्स हैं उसमें वो आखिरी जो फरवरी 31 को जो नौजवानों को नाम आखिरी संदेश भेजा वो अवेलेबल नहीं था, तो बहुत सारी ऐसी चीज थी जिनसे आपको आप रूबरू नहीं हुए, स्कॉलर्स भी नहीं हुए थे, बिपिन चंद्र जैसे लोग जो इतिहास का सीनियर लोग थे उन लोगों तक तो नहीं मिला। भगत सिंह की डायरी पहली बार फॉर्मली एज ए रिसर्चर मैंने इस्तेमाल की, क्योंकि मुझे वो उस वक्त इस्तेमाल करने का मौका मिला जब ना वो अटैक में थी ना वो 3 मूर्ति में थी, वो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे पी डी कौशिक जो रशियन स्टडीज के थे, वो मॉस्को से इब्रोविश से लेके आए, जो एक उसकी बड़ी कहानी है वाला गया जो भगत सिंह के भाई। थोड़ा मैं उस कहानी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि राइट विंग हमसे कहते हैं कैसे मान लीजिए भगत सिंह की डायरी है, कैसे मान लीजिए भगत सिंह की डायरी है, तो मैं चाहूंगा वो जो थोड़ा रिसर्चर वाला प्रोसेस होता है वो जरा बताए। देखिए, भगत सिंह की जो जहाँ तक डायरी का सवाल है वो डायरी भगत सिंह के भाई के पास गई है जो फैजाबाद में रहा करते थे, रणवीर सिंह, और ये एक मिस्ट्री है कि उन्होंने वक्त को अपने पास पूरा था, क्यों उन्होंने रिसोर्सेज को अवेलेबल नहीं कराया, उस पर बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन एक रशियन स्कॉलर ने उनसे मिल के रिक्वेस्ट करके उनके घर पर जाके, तब तक हमने तो काम शुरू नहीं किया था, ये तो अर्ली 70s की या मिड 70s की बात, उसकी उसकी उसको टाइप करके बोले गए, ओरिजिनल के पास छोड़ दिए और वो रशिया चली गई, टाइप कॉपी टाइप की, और उसमें से कुछ फोटो कॉपी भी कराया जिसमें भगत सिंह के सिग्नेचर है, बटुकेश्वर दत्त के सिग्नेचर है, वो उन्होंने फोटो कॉपी भी ले गए, और उसके बाद वहां से
उसकी एक कॉपी मुझे मिली थी, वो टाइप्ड कॉपी। ये जो ओरिजिनल कॉपी है अभी कहाँ है? ओरिजिनल कॉपी तीन मूर्ति में। तो जिन लोगों को लगता है कि वो डायरी भगत सिंह की है कि नहीं, वो तीन मूर्ति जाएं और ओरिजिनल कॉपी देख लें, उनके सिग्नेचर से मिलान कर लें। वो जो तीन मूर्ति में जो मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन में प्रिजर्व्ड है भगत सिंह की हैंडराइटिंग के साथ सब कुछ है, उसमें कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये वाइव एन एथीस्ट जो आर्टिकल है, इसके बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं, उसमें बड़े सवाल उठाते हैं, लेकिन वो आर्टिकल तो लाला लाजपत राय ने छापा, उनका अखबार था पीपल, पीपल उसमें पहली बार छपा और उनके पिताजी के थ्रू बाहर आया जेल से, और वो उसके बाद। लेकिन एक मजेदार समय बनाया ना थोड़ी देर तक भगत सिंह को अगर छोड़ भी दें, जिसमें जो ऑथेंटिक रिसर्च है, जिसके आप सोर्स देते हैं, जिसके लिए आप सारी चीजें देते हैं, उनको तो खारिज कर दिया जाए, लेकिन दिन रात जो व्हाट्सएप है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जिसका कोई सोर्स नहीं होता, उसको सच माना जाए। यही एक दुख की बात है। मैं अक्सर आपको बहुत से मौके आते हैं कि कोई चीज वायरल हो गई, आजकल वायरल हो गई चीज, आपने आप इतिहास सच में इतिहास क्रिएट कर रहे हैं लोग खुद, तो ये पे ये मुहावरा होगा ना, वो मुहावरा सच हो रहा है। आप एक इतिहास बनाना, आपने एक व्हाट्सएप पर एक लंबा समय लिखा और उसके बाद उसको वायरल कर दिया, 2,000 लोग, 3,000 लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम हमारे पास आ गए, हमारे बहुत सारे चैनल हैं। यदा वो एक एक मैसेज ये हिस्ट्री का वो है, वायरल हो रहा है आजकल, और उसके बारे में वायरल हो रहा है, जिससे वायरल किया उससे पूछिए, मैंने तो किया नहीं। और मैं इस तरह के वायरल हिस्ट्री पर मैं काम भी नहीं करता, जो व्हाट्सएप से वायरल होती है ना, उसका बेसिस क्या है, उसका उस मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। हाँ, बिना सोर्स के कोई तरीका नहीं है मेरे पास उसको डिनाई करने का, जैसे कि उनके पास कोई तरीका नहीं है उसको प्रूव करने का, सिवाय इसके कि उन्होंने उसको वायरल करवा दिया, उनको भी कर सकता है। अच्छा, एक सवाल था सर, जैसे वो जो पूरा दौर था, नेचुरली दो मुख्य धारा है, कांग्रेस की धारा और एक क्रांतिकारी की धारा, दोनों के बीच में जो फर्क था उस पर तो बहुत बात, दोनों के बीच में जो दोस्तियां बनी या एक दूसरे की मदद हुई, उसको उस पर कभी बात नहीं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पे लोकल लीडर्स, या भगत सिंह के केस में ही बहुत सारे बड़े लीडर्स की मदद के लिए आए, बिल्कुल कुछ नया, तो मैं चाहूंगा कि उनके सिंथेसिस एंटीथेसिस जो कुछ थी उस पर थोड़ी सी बात। सारी चीजें हैं इसमें, तो मतलब आप जानबूझ के पढ़ना ना चाहें वो तो आपका आपका अपना चॉइस है, लेकिन अगर आप सोर्सेस पढ़ें, आप उस वक्त आर्काइव के रिकॉर्ड पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, किताबें पढ़ें, बहुत लोगों ने लिखी है, और बाद में जो स्कॉलर्स ने कामा मैकलिन की किताब आई, उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू पर्टिकुलरली उनके रिलेशनशिप क्या, वो किताब किंडल पे भी आसानी से उपलब्ध है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो रिव्यू भी की थी, प्रमोशन भी कभी लिखा था, इंडियन एडिशन, और एक नए सिरे से नए तरीके से तो जो पीरियड है उसको, ठीक है, उसमें साफ तौर से आपको मिल जाएगा कि भाई मोतीलाल नेहरू ने पैसे तक से मदद की, वो जवाहरलाल नेहरू ने तो गांधी से डांट भी खाई, कांग्रेस बुलेटिन के एडिटर हुआ करते थे नेहरू, और ये पूरा हड़ताल चल रही थी अधिकारी, नेहरू गए आगे, उन्होंने बड़ा हमदर्दी भरा एक एक आर्टिकल उसमें कांग्रेस बुलेटिन में छाप दिया, जिसको गांधी जी ने पसंद नहीं किया, अहिंसा अहिंसा की बात की, और उनका अपना एक है। लेकिन नेहरू ने उसको गांधी जी के पास, लेकिन देख तो सच्ची बात नहीं नहीं चुका, उसके बाद उनकी जो सपोर्ट थी वो जारी रही, तो इसलिए ये टोकन माफी थी, और वो एक लिहाज शर्म जो एक बुजुर्ग का होता है वो उन्होंने रखा, वो अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक संक्रांति का सवाल है कि कॉल से काफी गरीब के कॉल से पूरी लड़ाई वो काफी थी, और राइट विंग तो कहीं उनके साथ आते दिखता है, भाई किसी ने कोई स्टेटमेंट कहीं आ जाए, जैसे की फांसी पर सावरकर का स्टेटमेंट दिखा दीजिए, लेवार का दिखा दीजिए, आरएसएस का, इवन मुंजे का जो मुंजे का दिखा दीजिए, भाई कहीं कोई कहीं तो बोला हो, मद्रास में बैठा हुआ पेरियार लिख रहा है तमिल में, अंबेडकर ने लिखा, और कितने सारे लोग आप मिल जाएंगे कि बोले आप भी नहीं बोले, तो बात यह है कि सिर्फ सिर्फ जबानी जवाब से काम नहीं चलता है। और मैं अक्सर हमारे जो आरएसएस के साथ तौर से दोस्त हैं बहुत सारे नाम नहीं ले रहा, उनसे मैं कई बार बात हो चुकी है, मैंने भाई आप भी बताओ, हम दो कई जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर रिसर्च करते हैं, और
जो बचा खचा काम आता है उसके बाहर जो टीम होती है, जैसी लाइब्रेरी है, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी है, इंडियन में वहाँ जो मिलता है वह करते हैं। उन रिसोर्सेज में अगर आप पर एक फाइल भी हो डिवोटेड आपके किसी लीडर पर तो मेरे सामने आ जाती है या और रिसर्च के सामने आ जाती, हमारे सामने तो आई नहीं। अब वो डॉक्यूमेंट्स आप छिपा के नागपुर में रखे हो उसका तो मैं मेरे पास क्या इलाज है, तो भी कम से कम सामने ला दो। हाँ, मतलब दस्तावेज रहे हैं। दूसरी चीज भाई, इतने दिन हो गए आपने, अगर आपको मालूम है कि आपका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो आप एक किताब लिख देते, आप लोग खुद लिख देते। हम लोग आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं, वो प्रॉप्ड अप यूनिवर्सिटी वन नाइट हो गए और ये लोग लिख सकते थे ना। हम जैसे मेरा जो अपना, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, बाकी का मुझे मालूम है। हमने तो 5 पैसे सरकार से ले लिए सिवाय नौकरी के, यूनिवर्सिटी में सीएसआर में नौकरी करते रहे, जो पैसा मिलता था उसी से काम चलाया, उसी से के बेसिस पर सब कुछ लिखा, अपने शौक में लिखा, ना वो किसी ने स्पॉन्सर किया ना उसके लिए 5 पैसे किसी ने दिए। नहीं, मैं अपने लिए कह सकता हूँ, लिखा आप क्यों नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, शुरुआती दौर में जो उन्होंने लेख लिखे, जैसे प्रकाशित पहला लेख लिखा उसमें, वहां से लेकर और 1931 तक, 1931 तक जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस उनके थॉट्स के काफी ज्यादा है। क्योंकि विश्व पर हमें देखते हैं तो आप उसमें विश्व प्रेमी के तौर पर सावरकर को भी लेके चलते हैं, तिलक को भी लेके चलते हैं, तो क्या 1931 में वो जो से वो विश्व प्रेमी की जब वो संकल्पना रखते हैं या परिभाषा करते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि भगत सिंह ने वो पढ़ा हो, वाड़ के गुस्सा का जिक्र ही नहीं है। तो भगत सिंह वाकिफ थे सावरकर की जो क्रांतिकारी फेज है, फर्स्ट फेज, जिसके बारे में मैंने कई बार बोला है और टेलीविजन चैनल पे भी बोला कि ये भाई जो किसी भी इंसान के जिंदगी के बहुत सारे फेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप एडमायर करोगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आप किनारा करोगे। अच्छा, उस समय अवस्था भी 16-17 की पार्टी के लिए उसने हरे सर जो वहां पर उन्होंने माफिया मांगी, तो बहुत बाद में, बहुत बाद ही आई है। जो फर्स्ट फेज है वो तो जो क्रांतिकारी फेज है उसके बारे में तो हम कुछ सवाल उठा ही नहीं रहे। बिल्कुल भाई, उसको आप एडमायर कीजिए, उसको जैसे और क्रांतिकारी फेज है, अदर फेज है, और बहुत सारे लोग थे उस पीरियड में पर्टिकुलरली, तो अच्छी बात है। वो अच्छा फेस जिना के साथ भी है। जिना तो बेल्जियम में मुस्लिम यूनिटी थे, और जिना की जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी मुंबई में एज ए यूथ लीडर, यंग कांग्रेस लीडर, वो उनमें मैक्सिमम गैदरिंग होती थी, यंग पीपल थे। तो उनका तिलक के फर्स्ट चॉइस फॉर तिलक इन बोथ द केसेस, लखनऊ बैग जो नहीं नहीं जो उनके जो जो है जबकि पहला केस वो हार गए, सेकंड केस में फिर जिन्ना के पास ही गए, तो वो उनका एक एक जाती पर्सनल एक एसोसिएशन। लेकिन 40s के बाद उनका पेश कैसे है? अच्छा, उसके बाद 40s नहीं, 30s से शुरू हो जाना है, 30s से जो जिन्ना की सियासत है, मैं तो उसके लिए याद करता हूँ। मुझे उस फेज से क्या लेना देना, मुझे जिस फेज का कोई ताल्लुक दूसरे फेज से है ही नहीं। हमें जो इतिहास मिला है, जिस तरह का हिंदुस्तान मिला है, खून भरा इतिहास, लाखों लोग मरे, सिख, वो तो जिन्ना की सियासत का नतीजा है कि बाद में उन्होंने परसों की 10-12 साल। तो मैं तो उसके लिए याद करूंगा, मैं हूँ एम्बेसडर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, मेरे लिए क्या यूज है। और ऐसे ही हिंदुइज्म के नाम पे जो पागलपन आया, उस अवसर के माफी मांगते रिहा होने के बाद का जो उनका फेज है इस पर लिखने के बाद का, ये सब चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट जो उन्होंने 1857 पे किताब लिखी है वो तो बाद में जफर है उसमें, और शिवाजी के जो वंशज से जो गद्दारी कर रहे थे उनको गालियां दी हैं। उसी को भगत सिंह ने भी उसी का रेफरेंस दिया है, और उसमें कोई नाजायज बात नहीं है, देना भी चाहिए था। आज भगत सिंह, जैसे ये तो बहुत अजीब सा सवाल होता है कि आज होते तो क्या करते, ये तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जितने थे वो आज हमारे, ठीक है, आज अगर भगत सिंह होते मैं तो ये बात लगता हूँ कहना, ठीक है, मैं कहता हूँ सर, आज अगर भगत सिंह होते, भगत सिंह उन्हीं पेंशनधारी फ्रीडम फाइटर्स होते जैसे होने को सर, याद करते ना उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते,
हम तो याद इसलिए करते हैं, बार बार जाते हैं, इस तरह की चीजें बहुत लोगों ने लिखी है। क्रांतिकारी उनका जो स्वरूप है अदब के बाद कई साल चल जाता है, फिर उससे जो जुड़ा जो उनकी देखती है चलती रही जो 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 एक कम लोगों ने ये काम किया है छोटी उम्र कोहेरेंटली सुन ही नहीं पाता है नौजवान जिस वक्त वो विश्व प्रेम की बात करते हैं, सोलह सत्रह की अवस्था थी, प्रेस की बात करते हैं, शास्त्र शिक्षण की बात करते हैं, लिपि और भाषा समस्या की जो बात करते हैं, लिपि और भाषा की जो बात करते हैं, ये सब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज भी। वो उससे एंगेज करना और फिर एनार्किज्म पर सीरीज के तीन आर्टिकल लिखे, दलित प्रॉब्लम पे, दलित प्रॉब्लम पे लिखे, मेरे घर तो दलित पे लिखे, ये सब बड़ी मुश्किल सवाल है जिनसे उन्होंने 21-22 साल की उम्र में सोचा और लिखा। कुछ किताबें सुझाएंगे हिंदी अंग्रेजी के हमारे जो दर्शक हैं, जो पाठक अगर बनना चाहें, अंग्रेजी की किताबें तो बहुत सारी अब आ गई है, जैसे टॉम मैकलेन की बात हमने किया हुआ है, सबने अपने अपने तरीके से देखे बहुत सारा काम, बहुत सारा काम है, मनलाल भी पूछते रहते हैं कलेक्शन किया है, वो दर्शक से भी मदद ज्यादा काम होता है, अच्छी है इमोशनल लेकिन ये वो ठीक है। लेकिन प्रोफेसर चमन लाल की जो किताब है उनका कलेक्शन जो है बड़ी आसानी से उपलब्ध है, उसको बड़ा यूजफुल है, ये वाला कलेक्शन है, इससे पहले भी उन्होंने जगमोहन सिंह के साथ किया है, शिव वर्मा की जो किताब है नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है, संस्कृतियां है, उसके बाद सिंह अवलोकन है, सबके बड़े साथी थे जीते ना तानियाल, उन्होंने जमाने में उनके बाद भी मिलती है सोहन सिंह जोश के भी लेख हैं उनके, वो उनके परिवार में वीरेंद्र संधू ने लिखा है, तो मटेरियल बहुत, बात ये है पढ़ने वाला चाहिए, हिंदी में भी अवेलेबल है, मेरी अपनी किताब 6 भाषाओं में अवेलेबल है, क्रांतिकारी आंदोलन के लोग थे, उनकी जो विचारधारा तो कल्चर की बात होती है, नेशनलिज्म की बात होती है, तो इसके परे दूसरे बड़े लीडर्स थे, कौन से शख्स को किस नेता को आप करीब मानते हैं, कुछ हद तक इन आइडियोलॉजी से मानते हैं, और कौन सबसे उधर लेकिन सबसे ज्यादा मतलब इन चीजों को लेकर जैसे लगता है कि ये बड़ा मतलब इसमें बड़े फेजेस हैं पार्टी में, मेन पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहला नाम तो वेद सिंह के साथ साथ यूसुफ मेहरली जैसे लोग थे मुंबई में, लेबर लीडर थे, बोलते भी थे स्टेट लेवल के इंटरनेशनल विद्यार्थी जैसे लोग किया, ये एक लंबी लिस्ट है जो नेशनल लेवल के लीडर्स की भी और स्टेट लेवल के लीडर्स की जिनकी हमदर्दी, क्योंकि आप देखो ना कांग्रेस पार्टी के जो बहुत सारे रेजोल्यूशन हैं जो इस अहिंसा के लेके डिबेट में, उनमें कई रेजोल्यूशन जैसे दिल्ली बॉम्ब केस था
पर वोटिंग हुआ लाहौर या कराची सेक्टर में, उसमें उसने गांधी जी का के रिजोल्यूशन को 75 वोट से ज्यादा मिले कांग्रेस पार्टी के वोट करने वाले नेहरू, वो तो बिल्कुल इज्जत बची किस तरह से। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी बड़ी भारी सपोर्ट थी वो खाने के लिए पैसा उनसे खरीदते थे बंदूक, बल्कि इसको ऐसे कहें कि जिनको आजादी की प्यास थी, जिनका इंटरेस्ट आजादी में था, वो साथ मिलकर काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो सारे अगल अच्छे डिफरेंसेस के बावजूद ये सब चीजें बेकार है। ये आज वो बात करते हैं इनका आजादी से कुछ कल होते हैं, आप सब लोग जाते हैं कौन है वो लोग, वो आज सबसे बड़े देशभक्त है। जब देशभक्ति का वक्त था उस वक्त समाज सेवा कर रहे थे भाई, लोग अंग्रेजों से जूझ रहे थे, जेलों में थे, आप समाज सेवा कर रहे थे। तो वक्त जिस वक्त जो काम अच्छा लगता है वो करना चाहिए भाई, लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़के देश आजाद होगा, समाज सेवा भी करना, या दोनों काम एक साथ कर लो। क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो समाज सेवी भी थे, बहुत सारे मदन मोहन मालवीय बहुत सारे काम करते थे, सवाल भी खड़े होते थे, अभी लोग करते थे लागत राय। तो थैंक यू सर, आज जिन किताबों के हमने नाम लिए उनका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ सर की किताब के बारे में, और भगत सिंह के बहुत सारे जो लेख हैं वो लेख हम लगातार credible history.com की वेबसाइट पे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी पेश करते रहेंगे। मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि ठीक है व्हाट्सएप भी पढ़िए, लेकिन कम से कम भगत सिंह का अपना लिखा जो है वो पढ़ के फैसला कीजिए कि वो कहाँ खड़े थे, क्या चाहते थे और उनकी विरासत संभालने का मतलब क्या। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली बार।